नमस्कार, गुड मॉर्निंग अर्गो सुपरफास्ट को स्वागत करछि मु स्वप्ना। आरंभ करबा आजिर खबर अभियान। अमेरिका गस्तर तृतीय दिन रे ग्लोबल सिटीजन लाइव इवेंट को संबोधन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज संध्या रे वीडियो जरिया रे एही इवेंट को संबोधन करिवे मोदी। ग्लोबल सिटीजन हेउछि एक ओकिलाती संगठन जहां दारिद्र्य दूर करबा को कार्य करूछि। एहा एक 24 घंटिया इवेंट जहां 25 रु 26 तारीख जाए अनुष्ठित हेबो। एही कार्यक्रम 120 देशर एवं एकाधिक सोशल मीडिया चैनल रे प्रसारित हेबो। क्वाड बैठक रे एकाठी हेले चारि राष्ट्र मुख्य। हिंद प्रशांत महासागर रे सहयोग बढ़ाइबा क्षेत्र रे हेला आलोचना। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र रे एकाठी काम करबा सह विश्व शांति और समृद्धि प्रसंग उठाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेहिपरि अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान प्रधानमंत्री योशिदे सुगा, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन मध्य निजर मत रखिछन्ति। महानदी मुंडुली बैरेज रे फसीथिबा दंता हाथी भासी जाइछि। दीर्घ समय धरी नदी स्रोतरे संघर्ष करबा परे भासी जाइछि हाथी। सेपटे उद्धार बेले डंगा बुड़ी निखोज थिबा ओड्राफ टीम रो वरिष्ठ ड्राइवर सीताराम मुर्मू को उद्धार पाई चेष्टा जारी रहिछि। म्यांमार उपकूलरे सृष्टि होइथिबा घूर्णी बळे आज लघुचाप रे परिणत होइछि। आज लघुचापटी प्रथमे गभीर अवपात एवं परे एक बात्यार रूप नेबो। 24 तारीख संध्यारे एहा स्थलभाग छुइपारे। एही समयरे पवन बेग 80 रु 90 किलोमीटर प्रति घंटा होइपारे। वर्तमान एहा पूर्व दक्षिण पूर्व गोपालपुर 670 किलोमीटर एवं आंध्रप्रदेशर पूर्व कलिंगपाटनम 740 किलोमीटर रहिछि। एही समयरे समुद्ररे उच्च ज्वार आसुथिबारु मत्स्यजीवी भाई मानंकु समुद्र भितरकु जिबाकु बारण करा जायछि। प्रकाश पाइला यूपीएससी परीक्षा फल 2020। शुभम कुमार आईएएस टॉपर होइछन्ति। मोट 761 कृतकार्य होइथिबा सूचना मिलिछि। आईएएस फाइनल परीक्षा रे 180 जन उत्तीर्ण होइथिबा बेले आईपीएस पई 200, आईएफएस पई 36 जन उत्तीर्ण होइछन्ति। सेहिपरि 46 रैंक रे जुबिन महापात्र, 194 रैंक रे रीना प्रधान, 52 नंबर रैंक रे आशीष मिश्र, 395 रैंक रे नवज्योति मिश्र एवं 464 रैंक रे अछन्ति बबिता राणी स्वाई। चांदीपुर डीआरडीओ क्षेपणास्त्र घाटी तथ्य लीक घटना। 5 अभियुक्त को रिमांड रो अवधि शेष पर पुणी थरे एसडीजीएम कोर्ट रे हाजर करा जाइतिला। या परे सेमानको विचार विभागीय हाजत को पठाई दिया जाइछि। ए घटना रे क्राइम ब्रांच हाथ रे बहु गुरुत्वपूर्ण खबर लागिथिबा बेले क्राइम ब्रांच जेऊ जेऊ दस्तावेज मागिछि ताहा मिलिबा परे यदि आवश्यक पड़े तबे आहुरी रिमांड निया जाय पारे। दिन भितर आमे पाइछु जणकर बैंक अकाउंट रे फॉरेन ट्रांजैक्शन अछि अल्प 24,000 14,000। नै नै सेई हनी ट्रैप रो झियो सेटा से बाहर रो से झियो तार पा आमे बाहर रो सीडीआर नंबर मागिले भी आमु मिलिबोन। आमे यांकर फोन कॉल रु सब बाहरिले आमे सेटा आउरी डिटेल जाय मैरिज करिया का को मैरिज करियो बोली कहितला अभी तो जणु का को मैरिज करियो। हां मैरिज करिया पई जणु कहितला बसंत को पाकिस्तान दुबई कथा जो उठतला दुबई पाकिस्तान कथा उठतला सेटा से घटना का को मैरिज कर का को मैरिज करी बसंत ताकु दैथला बसंत को से कहितला मु तते मैरिज करबी। विजु एक्सप्रेसवे रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। दुर्घटना रे दुई जणक मृत्यु होइथिबा बेले 15 रु अधिक आहत होइछन्ती। सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर सहर निकट दे जाइथिबा विजु एक्सप्रेसवे रो खरकपुर एवं रामबहाल मझरे बस टी दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। राति प्राय 10:30 मिनिट रे रामबहाल एवं जगतपुर मझरे रास्ता चली चली जाउथबा एक पथचारी को धक्का दे भारसाम्य हराइ मझी रास्ता रे उल्टी पड़थिबा सूचना मिलिछि। खबर पाई राजगांगपुर पुलिस घटनास्थल रे पहुंची आहत मानकु उद्धार करी राजगांगपुर सरकारी डाक्टरखाना को पठाई देछती। एक नंबर मार्केट पाखरे बेआईन भाबे बसी व्यापार करथुबा व्यवसायीक जिनिस जबत कला बीएमसी बारंबार तागिद करबा सत्वे बस स्टॉप उपरे बसी व्यापार करथले ही व्यवसायी सेमानक थारु पाखा पाखी 2000 टंका फाइन काटबा सह सामग्री जबत करिछि बीएमसी। पिपिली रे बीजेपी रो महामिश्रण पर्व। पिपिली और डेलांग ब्लॉक रो जातीय दलित आदिवासी महासंघ रो राज्य सभापति विजय सेठी को सह बीजेपी रे जोगदले 15,000 भोटर। आसंता 30 तारीख रे वोट ग्रहण हेबो।
एथिपाई बीजेपी महामिश्रण अनुष्ठित होछि। पिपिली ब्लॉक जगन्नाथपुर पंचायत ठारे बीजेपी आयोजित मिश्रण पर्व में जातीय दलित आदिवासी माइनॉरिटी महासंघर राज्य सभापति विजय सेठी समेत 21 जन संगठन नेता और 300 रु ऊर्ध कर्मकर्ता विधिवत भाव बीजेपी जोग देछन्ति। निम्नमानर काम जोगु भुसुड़ा पोखरीर गार्ड वाल बांकी एनएससी रे एक नंबर वार्ड चक्का पादर नगर उन्नयन विभाग पक्षर सहरांचल रे आदर्श पोखरी खनन और गार्ड वाल निर्माण पर अनुदान आसला हेले निम्नमानर ठिकादार कार्य करिवारु भुसुड़ी जाइछि आदर्श पोखरीर गार्ड वाल तेणु बिल बंद कर पुनर्बार गार्ड वाल निर्माण करने को स्थानीय लोके दावी करिछन्ति। बालेश्वर आनंद बजार ओभरब्रिज तले रेल लाइन रे कटि दुई मृत मृत दुई जण हेले संपर्कीय अजा नाती तेबे उभय रेल लाइन कडरे जाउथबा बेले आसुथबा एक ट्रेन उभयंकु टाणी नेथिला फळरे ट्रेन रे कटि उभयंकर मृत्यु होईछि। आशा दीदी बदली दाबीरे सीडीएम को दाबीपत्र प्रदान करा जायछि। मयूरभंज कुलियाणी ब्लॉक पारियाकुली गांर महिला माने आशा दीदी को बदली करा जाउ बोली दाबी करछन्ति। कारण गर्भवती महिला माने असुविधा समय रे आशा दीदी को जोगाजोग करले से कोनोसी स्थान को आसु नथिबारु तांकर बदली पई जोर धरिछि दाबी। बेआईन रिटेलर नियुक्ति बातिल और दुर्नीति को कार्यकारी पई सहायक थिबा कर्मचारी को विरुद्ध रे विजिलेंस तदंत दाबी एने नीलगिरी बाउंस बणिया खाद्य सुरक्षा मंच पक्षरु नीलगिरी उपजिलापाल कार्यालय परिसर रे धारणा। वरिष्ठ नेता निरंजन बारी नेतृत्व में शताधिक हिताधिकारी अनिर्दिष्ट काल पाई दिवारात्र गणधारण में बसिंट राज्य सरकार 5G नियम को एठी खोलाखोली उल्लंघन करेंगे संप्रति अच्छा से विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दावी होता बेआईन भाव में निजुक्ति निजुक्ति पक्षरे प्रच्छन्न भाव में कार हाथ अच्छी कारण ये शक्ति एसएजी ग्रुप से निजे समित सभ्य सभ्य अच्छा जो आमर ग्राम पंचायत आईन अच्छी पीआरए मेंबर माने कौनसी लाभदायक संस्था रही पारे ना दुटार गोटे रे जदि लाभदायक संस्था रे पीआरए मेंबर रही पारे से पीआरए मेंबर थिला बेले बीडीओ जाणी के निजुक्ति दे हूँ एक प्रश्न। द्वितीय कथा हूँ सीडीपीओ जो घोषणा कराला आठटी गाँव रिटेलर को बाछवा कराला से आठटा गाँव नई अन्य गोटे गाँव के दरखास्त से ग्रहण कले। वर्तमान समय हो एक छोट ब्रेक र ब्रेक परे बुलेटिन को स्वागत। सुवर्णपुर जिला बिनिका थाना संदीप साहू हत्या घटनार पर्दाफाश गत 14 तारीख रू बिनिका मारवाड़ी पड़ार संदीप साहू निखोज थिबा 16 तारीख रे परिवार लोके बिनिका थाना रे अभियोग करथिले। एने पुलिस तनाघना करथिबा बेले 18 तारीख रे महानदीर बौद्ध ठारे एक शव को पुलिस जबत करथिला तबे हत्या अभियोग पर पुलिस घटनार तदंत कर 3 जन को गिरफ्त करछि। से जो प्रकृत हत्याकारी जना पड़ा जड़े बिनकार जड़े चिकेन व्यवसायी कार्तिक नाग से तार सहयोगी नरेन्द्र बेहरा को सांगरे नहीं घटना दिन 14 तारीख दिन उक्त युवक को संदीप कुमार साहू को सांगरे नहीं तीन जन जाक गले महानदी कूल गोटे अबांडन पंप हाउस रे छुरी माड़ करी हत्या कले एवं तार अलंकार सब बाहर कर दे शब को नदी में फोपाड़ दे नदी में बहुत पानी थी जो शब हासी भासी जा बहुत लगिकस अलंपिक स्वर्ण विजेता प्रमोद भगत संबलपुर गस्त कर प्रथम संबलपुर में माँ समलेश्वरी को दर्शन कर मंदिर सम्मुख एक विराट बाइक रैली भिएसएस स्टेडियम पहुंची संवर्धना कार्यक्रम में जोग देते संबलपुर बैडमिंटन एसोसिएशन पक्षर यह कार्यक्रम आयोजित होता चलतु कर्म कर चलतु फल चिंता करूँ ना आबकार समय होम ओडा गोटे स्पोर्ट्स हब हिसाब से पूरा सारा विश्व जनाशुना हो बसलान आपति चेष्टा कर चलतु बहुत लोक भी अच्छा जेन मैंने कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे कौपाई कि जो मुझे ओलंपिक गोल्ड आनली से ही प्रमाण करवा कि आम चेष्टा करमा निश्चय आगे बढ़ी आम देश राज्य लगे कि पार्मा तो समस्ते आपको टेकिने वाली रेडी अच्छा खाली आप चेष्टा कर निज ड्रीम पे लगे
ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ହେବେ। केसाई बाहाल महाविद्यालय जातीय सेवा दिवस पालित हो दिवस अवसर में विनोद बिहारी रुकेट संयोजन एक सभा अनुषित होता महुलपाली थाना आईआईसी जज्ञासिनी नायक महाविद्यालय अध्यक्ष दयासाग प्रधान महाविद्यालय अध्यापक और अध्यापिका उपस्थित रही छात्र छात्री आगामी भविष्य विषय मत प्रकाश कर कांग्रेस रो मिश्रण पर्व रायगढ़ जिलार 500 रु अधिक कर्मी कांग्रेस रे शामिल होती स्थानीय लायंस क्लब रे जिला कांग्रेस तरफ एही मिश्रण पर्व अनुष्ठित होता अवसर में काशीपुर ब्लॉक रो 500 जन कर्मी जोग देइथिबा नै सूचना देइछंती कोरापुट लोकसभा सांसद सप्तगिरीश्वर उल्लाका स्कीम वर्कर्स पाचिका सहायक आशा अंगनवाड़ी समस्त बर्तमान सारा देश रे होउछि दस दफा दाबी नहीं वर्तमान धर्मघट एवं हड़ताल करा जाउची मुख्यतः भाव आपण माने जानिचंती सारा देशर होची पाचिका सहायक माने मध्यान भोजन जो भात रहउचंती सेमानकु वार्षिक 1000 टंका दबा दुखदायक कथा मंत्री एमएलए आशा कर्मी को धारणा झारसुगुड़ा मुख्य सरकारी डाक्तरखाना आशा कर्मी को दुर्व्यवहार करा जाउतबा अभियोग होईची यार प्रतिवाद रे 200 रु अधिक आशाकर्मी धारणा देछंती आमे आ हमर प्राप्य राशि आमे ठीक भाबे पाइनी पारबार तार पर 40 वर्ष जतकी मा माने होइछन जे 15 वर्ष लानो काम करलेन ताकर पेंशन योजना नी होई तार पर आ हमर रिटायर टाइम नाम को 20,000 टका देगिरी रिटायर करबी बोली कहउछे सेथिले आमे 5 लाख टका हमर माने रिटायर दाबी करछु आमर पेंशन टा सेतकी बेले आज्ञा 10,000 टंका पेंशन दिया जाबा बोली आमे सेटा दाबी करिकि बसछु आज्ञा आ गुटे कथा हला जे जेन आमे गर्भवती मां मानकु धरिकि इन क्या छिना प्रसूति होछन मां शिशु जेन मृत्युवरण करूछन से मृत्युवरण लागि आज्ञा आमकु आशा मानकु दायित्व दउछन से मां माने डॉक्टर माने हेल्थ डिपार्टमेंट वाले तार पर आमकु इने तो भीतर के ढुके इन देबार से मां रो छुआ केनता हला फूल के टाइम ने पड़ला काणा करला आज्ञा हमें किछि जानि नि पारबार सेते मयूरभंज सरत थाना अंतर्गत लाबस्य देपुर गांव में अभावनीय घटना अभाव अनटन जो निजे विष पीवा सह दुई शिशु को विष देला मां लावण्य देपुर ग्रामर दुरार सिंह देवर स्त्री पूर्णिमा सिंह देवगां गत बुधवार दिन निजर दुई शिशुकन्या विष पीवा सहित निजे विष पीते तेज प्रथमे उदला और पर बारिपदार चिकित्साधीन थे पूर्णिमा मृत्यु हो दुई शिशुकन्या बारिपदा डाक्तखाना चिकित्साधीन रही दुई झियों मध्य जड़े 4 वर्ष और जड़े 6 वर्ष सूचना रही तहसिल घेरिले चासी राज बोड़ाशंबर कृषक संगठन पाइकमाल ब्लॉक पक्षर एक विशाल शोभा बाहरी पाइकमाल तहसिल घेराव पाइकमाल ब्लॉक अंचल को संपूर्ण मरुड़ी भाव घोषणा करने कृषि ऋण छाड़ जोर धरी दावी सबु चासी एकजुट होकर सब चासी भाई भौनी माने सब एकजुट अग्रे आके बहुत आंदोलन करमु आमर दाबी आमर अंचल के मरुड़ी घोषणा करा जाऊ बिजुली छाड़ करा जाऊ आ जेन प्रकार समस्या आछे सेटा दूर हेबा बोली करिया जमे ई आंदोलन रे सामिल हो युव सांबादिक अरिंदम को मृत्यु पर सांबादिक महल रे शोकर छाया खिली जाय छी अरिंदम 1982 मसीह केन्दुझर जिला राजनगर में जन्मग्रहण करते 2002 मसीह धरणीधर महाविद्यालय अध्ययन सरवापर सांबादिकता को पेशा करते अरिंदम जड़े निर्भीक सांबादिक भाव केन्दुझरवासी हृदय जीतवा बेले पूरा केन्दुझर ताकर अकाल मृत्यु खबर मिलता पर समस्त स्तब्ध हो पड़ती अमता आत्मार सद्गति जिला प्रेस क्लब केन्दुझर पक्ष एक श्रद्धाजलि सभा सह एक कैंडेल राली आयोजन कर केन्दुझर लड़ुआ पु तथा तो सारा राज्य जन निर्भीक सांबादिक अरिंदम दास वियोग सारा केन्दुझरवासी मर्माहत होती सारा केन्दुझर स्तब्ध हो जो निर्भीक सांबादिकता केन्दुझर जिला भी आज गर्वित था सारा राज्य गर्वित था आज यपरी एक दुखद समय जो अकाल वियोग केन्दुझर जिला बहुत दुख अनुभव कर युव सांबादिक अरिंदम दासों अकाल वियोग को नहीं प्रभु श्री जगन्नाथों निकट में पूरी सहर कर्तव्यरत सांबादिक दीपदान करने अमर आत्मार सद्गति कामना करी मुंडली में दंता हाथी फसिबा घटनार खबर संग्रह करने को दुर्घटनार सम्मुखीन हो नदी में बुड़ मृत्युवरण कर अरिंदम मृत्यु सांबादिकता क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति विभिन्न समय अरिंदम पुरी में रिपोर्टिंग
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଭରା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦ ଆସୁ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବି। ସେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିନଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଏ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଳା ଦିବସ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଛକ ନିକଟରୁ ଏକ ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପରି ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିୟୋଗ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କର ଅମତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ସହିତ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବୁଲେଟିନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବନାଞ୍ଚଳ ସାପକଟା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଛାଇ ଶିକାରୀ ଗିରଫ। ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛିଦିନ ହେବ ଶିକାରୀମାନେ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଛାଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି 2.5 KG ତାର ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜମନକିରା ଥାନା ସଦର ମହକୁମାରେ ଛୁରା ମାଡ଼। ଏକ ମିଠା ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଯୁବକ ଛୁରାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ମାଝୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ରାତ୍ରିରେ ଘରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କେଶରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜମନକିରା ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିବା ବେଳେ ଜମନକିରା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସେନ୍ସେକ୍ସ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଗତକାଲି କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଏସ୍ସି ସେନ୍ସେକ୍ସ 273 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି 60,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଓ ରିଆଲିଟି ସେକ୍ଟରର ସେୟାରରେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ନିଫ୍ଟି ବି 75 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି ପାଖାପାଖି 18,000 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିଫ୍ଟିରେ ଏବେ ବି ଏହା ହେଉଛି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଆମେରିକାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେୟାର ବଜାର ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ଚୀନର ଏକ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଇଭରଗ୍ରାଣ୍ଡ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବି ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଚୀନର ଏହି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 22.45 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବକେୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚୀନର ଚିନ୍ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେୟାର ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ଗତକାଲି ବି ସେୟାର ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ ଜାରି ରହିଥିଲା। ବିଏସ୍ସି 1030 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି 49,757 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ପରିସରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦର ଗୋଗିଙ୍କୁ ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର କରିବାକୁ ଅଣାଯିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। उन्होंने 3 गोलियां लगातार गोगी को मारी हैं। उसके रिबर्ट में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी गोगी के फेवर में, उन्होंने उसको बकायदा गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं। उनके पास 25-30 गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट जो क्रिमिनल आए थे वकील की ड्रेस पहन के, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। गोगी का ये बताया जा रहा था कि वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी जो इंटीमेशन आ रही है हॉस्पिटल से, वो यही समझ में आ रही है कि वो वहाँ डेड डिक्लेयर हो गया। हेयरिंग के दौरान गोगी की हेयरिंग थी, उसी दौरान आया था, हुआ था। जज साहब भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था और बाकी 2-4-5 वकील भी भाई मौजूद थे। और ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ 2019-20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଏକ ଯୁବ ଦେଶ କୁହାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ
1969 ମସିହାରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଆଦର୍ଶଗତ ଦିଗ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି। युवा शक्ति सामाजिक परिवर्तन की फर्जवाहक होती है और उसका साधन है। आज भारत की लगभग 65% राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 के सभी विजेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने कर कमलों से वर्चुअल रूप में सबको सम्मानित किया है। ये सभी युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा की बात भी है कि जो कार्य उन्होंने समाज सेवा के लिए किए हैं और विशेष तौर पर उन परिस्थितियों में भी किए जब देश कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा था, उस समय भी लाखों ऐसे स्वयंसेवक सड़कों पे, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे थे। आउ कोर्ट कचेरी रे गड़ी चलिबो नाही, तारीख पे तारीख कोनोसी मकदमार विचार को अजथारे कराजिबो नाही विलंब। ए विरोध रे कड़ा टिप्पणी देइछंती माननीय सुप्रीम कोर्ट। आपण मानकर मने थिबो एक लोकप्रिय हिंदी सिनेमार सेही मनछुआ संलाप। पीड़िता को न्याय देबारे कोर्ट कचेरी रे तारीख पर तारीख गड़ी चलिबाकु नै सिनेमार नायक एही संलाप उच्चारण करथिले, जहां देशरे न्याय व्यवस्थार वास्तवता को पदारे पकाइथिला। कौनसी गुरुत्वपूर्ण मकदमा को दुर्बल करने केमिति कोर्ट कचेरी में आईनजीवी तरफ तारीख गड़े दिया जाए ता सब चिंतार विषय पलटी। वर्तमान अर्गो सुपरफास्ट समय सरी विदाय दिंतु। नमस्कार।